आज के घोर कलयुग में आवश्यकता यही है कि हर एक मानव धर्म की गहराइयों को समझे। आज के आधुनिक युग में मानव कितनी कामनाओं के साथ जीता है। अगर हम ये अपने निजी जीवन को देखें तो बचपन से कितनी इच्छाओं कामनाओं से हम जी रहे हैं। जब छोटे थे तो किसी चीज़ की प्राप्ति की कामना थी, धीरे धीरे संसार में हम बड़े हुए अन्य भोगों की कामना बढ़ती गई। जैसे जैसे अलग अलग रूपों में हम अग्रसर हुए समाज में, तो वासनाएं भी उसी तरह अग्रसर हुई। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें, चाहे हम अलग अलग भाषाएं क्यों ना बोलते हों, अलग अलग धर्म में विश्वास क्यों ना रखते हों, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कामना हर एक मानव के हृदय में है, वो अंत में इतनी विभिन्न नहीं है। क्योंकि अंत में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जिस भी सोच से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, सार हम क्या चाहते हैं कि अंत समय जीवन में हमें शांति और संतुष्टि की प्राप्ति हो। अब ये जरूर है कि उस शांति और संतुष्टि को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। कोई संसाधनों में ढूंढता है तो स्वाभाविक है उसके जीवन में संसाधनों की कामना सर्वश्रेष्ठ होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो मानव ये सोच रहा है कि संसाधन मैं बटोर लूं तो संसाधन के द्वारा मुझे शांति और संतुष्टि होगी। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भाई परिवार बड़ा हो, परिवार खुशहाल हो, तो इसी में मेरी शांति और संतुष्टि है। तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक जो वासनाएं हैं वो ज्यादा अग्रसर होंगी। कोई अपने शोहरत में अपनी संतुष्टि को देखता है तो स्वाभाविक है उसके जीवन में अपने नाम को आगे बढ़ाने की या अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाने की कामनाएं ज्यादा होंगी। तो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अलग अलग रूपों में आ सकती हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक भाव छिपा है, हम किसी चीज की प्राप्ति करें, वो चीज अपने आप में भिन्न नहीं है। अंत में इस जीवन के संघर्ष से हर एक व्यक्ति संतुष्टि चाहता है, और संतुष्ट जीवन है तो आदमी सुखी है, आदमी शांति की, आनंद की अनुभूति करता है। अब बात यह है कि अगर हम सब लोग मन की भावनाओं से एक ही चीज की कामना कर रहे हैं और हम सब लोग संसार में संतुष्टि और शांति चाहते हैं, लेकिन हम जब संसार में कदम उठाते हैं, संसार के संघर्षों को लेते हैं, ये कामनाएं कामनाएं क्यों रह जाती हैं? अगर भगवान है, सत्य है, रचना है, तो स्वाभाविक है कि इस रचना को बनाने वाला भी होगा। हम कहीं घूमते हैं, बड़ी अच्छी मूर्ति को देखते हैं, तो मूर्ति के कलाकार की अपने आप प्रशंसा होती है, क्योंकि मूर्ति बड़ी अच्छी तरह से बनी है, बड़ी सुंदर तरीके से बनी है, तो हम यही कहते हैं कि इस मूर्ति के बनाने वाले की हाथ में बड़ी सफाई होगी। हम कोई चित्र देखते हैं जो बहुत ही स्पष्ट रूप से बना है, तो हम यही पूछेंगे कि भाई इस चित्र को बनाने वाला चित्रकार कौन है, उससे मिलाओ, हम भी उससे चित्र बनाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर कर्म है तो कर्म का कर्ता है। इसी प्रकार से ये रचना जो है, ये सृष्टि जो है, जिसके हम एक अंश है,
तो अगर ये सृष्टि है, ये रचना है, तो इसको बनाने वाला भी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा को जानने का संदेश हमारे सदग्रंथ हैं, हमारे वेद पुराण हैं, मार्गदर्शन देने के लिए असंख्य महान आत्माओं का चित्रण है, इतना अपार ज्ञान का भंडार होते हुए भी, अनुभवों का भंडार होते हुए भी, आज शांति की कामना क्यों है? आज शांति क्यों नहीं है? आज संतुष्टि की कामना क्यों है? आज मानव के जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है? तो स्वाभाविक है कि जिस चीज की हम कामना कर रहे हैं और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर ये अलग हो जाए तो स्वाभाविक है आप मन में सोचो कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और बंबई के हवाई जहाज में बैठ जाओ तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर थोड़े समय के लिए हम अपने ही जीवन को केंद्रित बना करके, उदाहरण का केंद्र बना करके, हम अपने जीवन से ही सीखने का प्रयास करें कि क्यों मेरा जीवन संतुष्ट नहीं है, कारण क्या है। और इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य जी के जितने भक्तगण थे, शिष्यगण थे, एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न करते हैं। और क्या प्रश्न करते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, बार बार आप ये कहते हैं कि जीवन, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है, ये एक मिथ्या है, ये एक बंधन है, ये एक इल्यूजन है, ये स्वप्न के समान है, लेकिन जो ये आप बात कह रहे हैं, इसमें बार बार आप कहते हैं हम बंधे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि जीवन का जो ये बंधन है वो क्या है, और सबसे पहले बंधन जानने से बंधन का तोड़ क्या है वो भी बताइए। क्योंकि अगर मैं जानता हूं मैं दुखी हूं, वो जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान जाना उससे भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी केवल एक बात कहते हैं, वो कहते हैं संसार के सारे दुखों का कारण है अज्ञानता, अर्थात न जानना। अगर आप वेदों के ज्ञान को देखोगे तो जो सबसे पुरानी एक शिक्षा वेदों में छिपी हुई है वो हमें क्या समझाती है? वो समझाती है मैन नो दाई सेल्फ, मानव अपने आप को जानो। अब ये बात क्यों कही गई? भाई आप मुझे मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम फलाना है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, इस देश का निवासी हूँ, इन परंपराओं में मेरी मान्यता है, ये मेरा धर्म है। तो अपनी पहचान तो सारे व्यक्ति जानता है, मैं आपको नहीं जान सकता, लेकिन आप अपने आप को तो जानते हैं, अपने परिचय को जानते हैं। अगर आप अपने आप को जानते हैं, अपने परिचय को जानते हैं, अपने नाम को जानते हैं, तो बार बार महान पुरुष क्यों कह रहे हैं मानव अपने आप को जानो? इसका मतलब जो हम जान रहे हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो अपने आप में हमें संतुष्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अब तक हमने जो जाना है इसके बाद भी कुछ जानना शेष बाकी है। इसलिए तो कहा जा रहा है अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। ये आज से नहीं, आदि काल से, जब से मानव के अंदर चेतना जागृत हुई, चेतना ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी, चेतना ने हमें योग्यता दी कि एक असहाय बालक जो चल नहीं सकता, हाथों से कर्म नहीं कर सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, धीरे धीरे चेतना के प्रभाव से जीता है, और चेतना के प्रभाव से जब उसके अंदर विवेक जागृत होता है, सोचने समझने की शक्ति आती है, तो वही असहाय बालक आगे चल करके एक डॉक्टर बनता है, लोगों के दर्द को दूर करता है। वही असहाय बालक आगे जाकर के बड़ा वकील बनता है, लोगों के कष्टों को दूर करता है, उसका निवारण करता है। तो चेतना की कितनी अद्भुत शक्ति है कि एक बालक जो बोल नहीं सकता आगे जाकर के इस देश का, इस राष्ट्र का सबसे बड़ा वक्ता भी बन सकता है,
सबसे बड़ा कवि बन सकता है, सबसे बड़ा लेखक बन सकता है, और अपने वचनों से वो अमर हो सकता है। तो ये चेतना क्या है, ये शक्ति क्या है जो हमें जीवन में सब कुछ प्रदान कर रही है, सर्वस्व प्रदान कर रही है। आज तक जो भी रूपरेखा में हम कहते हैं कि मैं ये हूं या मैंने ये पाया है, अगर बारीकी से देखें तो ये चेतना का ही एक देन है। तो स्वाभाविक है अगर बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को जानो, तो बारीकी से मुझे अपने अंदर ही फोकस करना है कि मैं अपने बारे में क्या नहीं जानता, और वो न जानना मेरे दुख का कारण है। और अगर मैं जान लूं जो शेष बाकी है, तो स्वाभाविक है अगर अज्ञानता दुख का कारण है तो ज्ञान ही दुख का निवारण है। अब ज्ञान क्या है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी समझाते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक छोटा बालक सबसे पहली बार एक दीपक को जलता हुआ देखता है, दीपक अग्नि है ये नहीं जानता, बस वो अपनी आंखों से क्या देख रहा है कि एक जगमगाती हुई चीज उसके आगे टिमटिमा रही है, बड़ा सुंदर प्रकाश उससे निकल रहा है, लौ कभी छोटी हो जाती है बड़ी हो जाती है, उसका एक अलग अपना नृत्य होता है आग की लौ को अगर आप देखें। और क्या होता है कि उस बच्चे के मन के अंदर एक आकर्षण पैदा होता है कि ये जो प्रकाश देने वाली चीज है ये है क्या। और जब भी हमारे मन के अंदर आकर्षण किसी चीज से पैदा हुआ है तो हमने जरूर अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है कि भाई ये चीज क्या है। और इन्वेस्टिगेट हमने कैसे किया कि उस चीज का स्पर्श करके हम जाने कि वो चीज क्या है। अब आपने भी और हमने भी कभी ना कभी नादानी में या बचपने में आग में उंगली डाली होगी, और जब उंगली डाली तो क्या हुआ, वो सुंदर दिखने वाली चीज अचानक आपको दर्द देने लग गई, आपकी उंगली को जला दिया, और आप ये नहीं जानते थे कि वो अग्नि है, कोई नाम उसका नहीं था, लेकिन उस अग्नि के स्वभाव को आपने अनुभव किया। और उसका परिणाम क्या है, आज मैं आपसे कहूं जरा आग में हाथ डालो तो आप कहेंगे पहले आप कीजिए जी, पहले आप डालो, क्योंकि आप जानते हैं, और ये बताने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी कि ये आग है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये हमने स्वतः ही जान लिया। किस द्वारा? अनुभव द्वारा। और वो अनुभव किसी ने आपको बताया नहीं, लेकिन अपनी ही जीवनी से, आपकी अपनी जीवनी से, अपनी चेतना से एक सोच जागृत हुई, मैं जानू। जब जानने का प्रयास किया तो आपने जाना कि भाई देखने में ये चीज बड़ी सुंदर है, लेकिन वास्तविकता में ये दर्द देने वाली चीज है। और उसका परिणाम क्या है कि आज आप अपना हाथ उंगली में क्यों नहीं डालते, आप परहेज करते हैं। तो जीवन के ही अनुभव ने कितनी बहुमूल्य शिक्षा आपको दे दी, लेकिन हम उस शिक्षा में, उस ज्ञान में जागृत नहीं हुए। इसी चीज को, इसी संस्करण को आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो संसार है ये मिथ्या क्या है, ये एक स्वप्न के समान है, इसीलिए संसार को माया कहा। माया का मतलब क्या है भाई, हम रात को सो जाते हैं, सपने में हमने क्या देखा कि भाई बड़े अच्छे पकवान बने हुए हैं, हम बड़े अच्छे घर में रह रहे हैं, पकवान भी खा रहे हैं, किसी को सपना आता है कि भाई उसने छलांग लगाई और वो आसमान में उड़ने लग गया। लेकिन जब सवेरे होती है, आप जागते हैं, सपना खत्म होता है, तब आप क्या पाते हैं कि जी पकवान तो सपने में खाए, वो तो जीवन को संतुष्ट नहीं करेंगे, पेट को संतुष्ट नहीं करेंगे, उठते ही हमें भूख लगती है। अगर जो पकवान आपने सपने में खाए होते, अगर रियल होते, अगर सत्य होते, उसका कोई अधिकार होता, तो क्या होता, स्वाभाविक है कि हमें भूख नहीं लगती। लेकिन हम जब उठते हैं, हम कहते हैं अरे वो तो सपना था, वो मिथ्या थी, वो खत्म हो गई,
और अब हम जागृत अवस्था में हैं, जागृत अवस्था के लिए शरीर को पोषण चाहिए, नाश्ता बनाओ, और हम अपनी भूख को शांत करते हैं। सपने में हम आकाश में उड़ने लग गए तो भाई रोज सुबेरे ऑफिस के लिए आप स्कूटर में ही या गाड़ी में ही बैठ करके जाते हैं, कोई अपने छत के ऊपर खड़ा तो नहीं हो जाता कि जी सपने में मैंने छलांग मारी और मैं उड़ने लग गया, आज ऑफिस उड़ करके जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सपना था और जागृत अवस्था ने उस मिथ्या को खत्म कर दिया। ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी समझाते हैं कि अगर हम अपने आप को नहीं जानते, अपने वास्तविक मूल स्वरूप को नहीं जानते, तो हम भी एक सपने का जीवन जी रहे हैं। जितने भी अनुभव हम जीवन में प्राप्त कर रहे हैं उसका एक अधिकार है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। और जब आदमी ज्ञान को जाग करके, ज्ञान को जान करके अपनी अज्ञानता को दूर करता है, अपने विवेक को जागृत करता है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, नित्य अनित्य विवेक विचारा, बहुत सिंपल ज्ञान उन्होंने दिया, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि कैसे अपने आप को जानोगे, कैसे अपने अनुभव को पाओगे, तो नित्य अनित्य विवेक विचारा, कि किसी भी परिस्थिति में आप दुखी हैं, आप संतुष्ट हैं, आपके जीवन में कष्ट है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, कुछ भी, नित्य अनित्य परिस्थिति आपके अनुकूल है या परिस्थिति आपके विपरीत है, दो ही चीज हो सकती है। आप आज बड़े खुश होंगे या बड़े टेंशन में होंगे, दो ही चीज हो सकती है, एक भाव का वासना आपके जीवन में हो सकती है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, नित्य अनित्य, किसी भी वासना में आप है, किसी भी प्रभाव में आप है, लेकिन विवेक से अपने जीवन का मंथन करो, विचार करो, और अपने आप सत्य उभरेगा। अब स्वाभाविक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने तो बड़े सरल तरीके से बोल दिया, लेकिन अपने आप को जानने की क्रिया इतनी सरल नहीं है, क्योंकि ये मन इतना चंचल है, मन इतना अहंकारी है कि किस रूप में अहंकार को जोड़ दे हम ये नहीं जान सकते। तो कारण क्या है कि मेरे दुख का कारण है, मैं अपने बारे में कुछ चीज को नहीं जानता, कुछ शक्ति को अपने अंदर नहीं जानता, अपने हिडन पोटेंशियल को नहीं जानता। अब जानना है तो क्या कहा, नित्य अनित्य विवेक विचारा, बड़े ध्यान से हर समय अपने जीवन का मंथन करो, अर्थात एक ऐसी साधना है जो हर वक्त की जा सकती है, हर परिस्थिति में की जा सकती है, और उस साधना की विधि को हमें जानना है। अब वो विधि क्या है, तो सबसे पहले कारण क्या है कि मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा हूं, कोई रुकावट होगी, कोई खेद होगा। अगर मैं गाड़ी में चल रहा हूं और गाड़ी में ईंधन नहीं है तो गाड़ी स्वाभाविक नहीं चलेगी, तो आप कहोगे जी पहले पेट्रोल भराओ, उस सामग्री को डालो जिससे गाड़ी चलती है, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे ही अगर मेरे जीवन में जो अनुभूति मैं चाहता हूं नहीं हो रही है, सत्य भी है, प्रभु भी है, ज्ञान भी है, योग्यता भी है, आपके अंदर जानने समझने का विवेक भी है, विवेक से आपने कितनी चीजों की प्राप्ति की है, लेकिन वो पूर्ण सत्य की प्राप्ति से हम वंचित क्यों हैं? तो कहा मन मोक्ष का कारण है और मन बंधन का कारण है, अर्थात मन अहंकार में विलीन हो जाए तो ये जीवन में बंधन बांधता है। अब किस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि भाई अहंकार इतना सूक्ष्म है कि कभी भक्ति में भी और भावनाओं में भी, प्रेम में भी अहंकार घुस जाता है। किस प्रकार, तो दो साधु महाराज थे, हिमालयों की गुफा में रह करके साधना किया करते थे, साधना बहुत लंबी उनकी चलती थी, कई वर्ष बीत जाते थे, फिर जब अपनी साधना खत्म करते थे तो अपनी गुफाओं से नीचे आते थे, तो 5-6 साल बाद वो अक्सर मिला करते थे। एक दिन मिल रहे थे, एक दूसरे के अनुभवों को एक्सचेंज कर रहे थे, तो दोनों के मन के अंदर बात आई कि भाई देखो समय के साथ गर्मी बहुत होती जा रही है और कभी कभी गुफा के अंदर साधना में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना, क्योंकि हमने तो संसार की सारी चीजों का त्याग कर रखा है, ये तो नहीं गुफा में एसी लगा देंगे और फिर साधना करेंगे या पंखा लगा देंगे फिर साधना करेंगे। तो कहते हैं कि क्यों ना हम एक वृक्ष का बीज बोए, जैसी जैसी हमारी साधना बढ़ती चले जाएगी पेड़ भी बढ़ता चले जाएगा,
और एक समय में वो पेड़ की छाया के नीचे हमें कुछ शीतलता प्रदान हो सकती है, और ये प्रकृति का ही स्वरूप है। हम कोई अपना बंधन मोह का तो नहीं बांध रहे किसी वस्तु से कि वो वस्तु का होना जरूरी है तभी हम साधना करें। तो दोनों को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि क्यों ना हम एक एक बीज बोए और धीरे धीरे बीज बढ़ेगा, वृक्ष के रूप में फलीभूत होगा, और उसकी छत्र छाया में बैठ करके हम शीतल माहौल के अंदर एक अपनी साधना को आगे कर सकते हैं। अब दोनों बीज बोते हैं, दोनों बहुत लंबी साधना में विलीन हो जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, जब वापस एक दूसरे से मिलते हैं, जब अपनी गुफाओं को छोड़ करके आते हैं, तो जी बात चल रही होती है, क्योंकि पिछली बार जब बात छोड़ी थी तो बात यही थी कि बीज बोएंगे। तो पहले साधु महाराज दूसरे साधु महाराज से पूछते हैं कि भाई मैंने तो अपना बीज बोया, लेकिन मेरा बीज जिस रूप से फलीभूत होना चाहिए था उस रूप से फलीभूत नहीं हुआ। दूसरे साधु महाराज कहते हैं मैंने भी उसी समय बीज बोया, लेकिन मेरा बीज तो बहुत अच्छी फलीभूत हो रहा है और उसके अंदर पतझड़ भी बहुत आ गए हैं, और जो भाई शीतलता हम चाहते थे वो तो मेरा वृक्ष शीतलता प्रदान कर रहा है। अब दोनों एक संकट में पड़ गए कि भाई दोनों बड़े एक तरीके से एस्थेटिक आदमी थे, मतलब उन्होंने संसार का त्याग कर रखा था, मोह माया से उनका परहेज था, दोनों संत प्रवृत्ति के थे, सात्विक पद्वती के थे, दोनों ने एक ही समय एक बीज को बोया, एक ही एटमॉस्फेयर एक ही प्रांगण में वो रहते थे, हिमालय की कंदराओं में रहते थे, ये भी नहीं कि कोई प्लेन में है कोई पहाड़ में है, तो दोनों के बीज एक एक रूप में फलीभूत होने थे। तो दूसरे साधु महाराज से रहा नहीं गया, वो मंथन करने लगे कि भी ऐसा क्यों हुआ कि पहले साधु महाराज का तो पेड़ ही नहीं उग पाया और मेरा बीज फलीभूत हो गया। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने पहले साधु महाराज से पूछा कि जब तुमने बीज बोया उसके बाद तुमने किया क्या? तो पहले साधु महाराज ने कहा कि भाई मैंने बीज बोया, बीज बोने के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इस बीज को पानी दे दो, प्रभु इस बीज को धूप दे दो, प्रभु इस बीज को खाद दे दो, और मैं अलग अलग समय में यह प्रार्थना प्रभु से करता था। दूसरे साधु महाराज ने कहा कि भाई मैंने भी प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन मेरी प्रार्थना तो अलग थी, मेरी प्रार्थना क्या थी कि प्रभु आप ने हजारों पेड़ों को उगाया है संसार में, आप जानते हो उस बीज के लिए जरूरी क्या है, जो चीज जरूरी है आप इसे करो। अब देखो दोनों संतों ने प्रार्थना की, और प्रार्थना प्रभु से की, किसी और से नहीं की। तो आप जरा बारीकी से सोचिए कि एक पेड़ विकसित हुआ, एक पेड़ विकसित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बारीकी से भी आप प्रार्थना में देखिए तो प्रार्थना में जो पहले साधु महाराज थे उनके अंदर भी कहीं अहंकार छिपा हुआ था। ये कहना प्रभु इसे पानी दो, तो ये प्रभु के तो प्रार्थना की जा रही है, लेकिन प्रभु के साथ ऑर्डर भी दिया जा रहा है कि भाई अभी पानी चाहिए, आप पानी दो। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं है कि मैं प्रभु से ज्यादा जानता हूं इस बीज के लिए जरूरी क्या है, ये है अहंकार कितने सूक्ष्म रूप में आया। और साधु महाराज भी साधु महाराज थे, मतलब जरूरी नहीं, लेकिन कहां एक कर्म को करने की बात आई तो आदमी का अहंकार अंदर से जागृत होता है कि मैं जानता हूं सही क्या है, यही अहंकार है। काम तो दोनों ने एक ही किया बीज को बोने का, लेकिन एक व्यक्ति ने प्रभु से कहा कि प्रभु इसे पानी दो, इसका मतलब मैं जानता हूं अभी इसे पानी की जरूरत है। परिणाम क्या हुआ कि जो नेचुरल साइकिल में हमने डिस्टर्बेंस की, हो सकता है उसको पानी पर्याप्त था, लेकिन मैं रोज सुबह उठ करके कह रहा हूं कि जी प्रभु इसे और पानी दो। अब पानी ज्यादा भी मिले बीज को तो बीज अच्छी तरह से रोपित कैसे हो पाएगा। लेकिन आप दूसरे साधु महाराज की प्रार्थना को सुनो, उसमें क्या था, उसमें अहंकार नहीं था, उसमें समर्पण था कि प्रभु आप जानते हैं, आपने तो हजारों पेड़ों को उगाया है, मैं कौन होता हूं आपके आगे कहने के लिए कि भाई क्या करना है, आप जानते हैं इस बीज के लिए जरूरी क्या है, आप कृपा करके वो चीजें कीजिए जो बीज के लिए जरूरी है। यह है समर्पण, और जहां समर्पण है वहीं अहंकार खत्म होता है। इसलिए अपने जीवन से शिक्षा लेना अपने जीवन का साक्षी बनना है।